हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सब ने कल मुरादाबादी दाल का वीडियो देखा होगा। वो आपने ट्राई करी नहीं करी मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। आज दाल को ही कंटिन्यू करते हुए हम बनाएंगे सूखी दाल। अगर बाय चांस किसी दिन हमारे घर कोई गेस्ट आ जाता है और हमारे घर सब्जी नहीं है, तो हम सूखी सब्जी की तरह जगह ये वाली दाल बना सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आइए देखते हैं। दाल बनाने के लिए हमने ली है ये एक कटोरी उड़द की धुली दाल, जिसे मैंने अच्छे से धो के थोड़े से पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिया है। ये एक अनियन है जिसे मैंने बहुत अच्छी तरह चॉप कर लिया है। ये 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा है जिसको हमने काट लिया है। ये थोड़ी सी हींग और ये है हमारे सारे खड़े मसाले, तेज पत्ता, साबुत लाल मिर्च, लौंग, काली मिर्च और एक बड़ी इलायची। दाल को छौंकने के लिए थोड़ा सा घी और हमारे रेगुलर मसाले, धनिया, नमक, मिर्च और गरम मसाला। आइए आगे का प्रोसेस देखते हैं। ये हमने जो उड़द की दाल भिगो के रखी थी उसको बहुत थोड़े से पानी के साथ कुकर में डालेंगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे। और जैसे ही इस दाल में 1 सीटी आ जाएगी हम अपनी गैस बंद कर देंगे। 1 सीटी के अलावा हमें इसमें कोई भी सीटी नहीं लगानी है। अगर ज्यादा सीटी लगाएंगे तो दाल गल जाएगी। हमें दाल गली हुई नहीं चाहिए, बिल्कुल अलग अलग दाल चाहिए हमें। देखिए 1 सीटी आ गई है कुकर में। हम बस इसी टाइम पे अपनी गैस स्विच ऑफ कर देंगे और इसको कुकर को ठंडा होने का वेट करेंगे। जितने कुकर ठंडा होता है हम अपना छौंक तैयार कर लेते हैं। छौंक के लिए हम अपनी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे। घी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जो लोग डाइट पर हो वो थोड़ा कम डाल लें और जो रिच खाना खाना पसंद करते हो वो थोड़ा सा ज्यादा घी डाल लें। जैसे ही इस घी मेल्ट हो जाएगा हम इसमें डालेंगे अपने सारे खड़े मसाले, तेज पत्ता, लाल मिर्च, लौंग, काली मिर्च और ये एक बड़ी इलायची। इनको 30-40 सेकेंड के लिए हम घी में रोस्ट करेंगे और उसके बाद हम डालेंगे ये जो हमने हींग ली है। हींग इसमें नॉर्मल सब्जी में जितनी हम डालते हैं उससे थोड़ी ज्यादा डालेंगे, क्योंकि इस दाल में हींग का थोड़ा प्रोमिनेंट फ्लेवर आना चाहिए। हींग डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 छोटी चम्मच के करीब जीरा और जीरे को भी घी में सौदे कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमने बारीक कटी हुई प्याज डाली है ये हम डालेंगे और प्याज को भूनेंगे जब तक प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती। प्याज को कढ़ाई में डाले हुए हमें 1-2 मिनट हो गया है। अब हम ये जो हमने अपना अदरक काट के रखा था वो डाल देंगे। आप अगर अदरक काटना ना चाहें तो आप अदरक को कद्दूकस भी कर सकते हैं। और इसी टाइम पे हम अपने बाकी मसाले भी मिला लेंगे, धनिया, लाल मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च फिर हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। नमक हम दाल में ऑलरेडी डाल चुके हैं तो इसमें बस बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे जिससे हमारी प्याज जल्दी सॉफ्ट हो जाए और इन सबको भी हम प्याज के साथ भूनेंगे। ठंडा होने के बाद हमने ये अपनी दाल निकाल ली एक स्ट्रेनर में। ये देखिए दाल बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुई है और ये दाल ऑलमोस्ट 70% कुक हो गई है। पानी भी देखिए हमने दाल में बहुत थोड़ा सा डाला था, ये ड्रेन कर रहे हैं तब भी बस इतना सा पानी निकला है। अब ये हमारा मसाला भुन गया है। हम इस दाल को इसमें डाल के और जो 30% की इसमें दाल में कसर है वो हम अपनी कढ़ाई में पूरी कर लेंगे। ये देखिए इस मसाले के साथ हम अपनी दाल मिक्स कर देंगे। अब बस इसको ऐसे ही मीडियम लो फ्लेम पे पकने देंगे। ये दाल को हमें बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है। जो हम कहते हैं कि दाल में हल्का सा बाइट रहना चाहिए उतने पॉइंट तक हम दाल को पकाएंगे। बिल्कुल अगर हम दाल को गला देंगे तो ये मिक्स हो जाएगी। देखिए अभी कैसे खिली खिली है, बस हमें इसे ऐसे खिला खिला ही रखना है। ये देखिए हमने अपनी दाल को लो मीडियम फ्लेम पे पकाया है लगभग 3-4 मिनट और अब ये दाल बिल्कुल रेडी है। देखिए बिल्कुल खिली खिली दाल बनी है, कोई भी दो दाने दाल के आपस में स्टिक नहीं कर रहे हैं। और ये देखिए आराम से ये दाल आप अगर ऐसे लेके देखेंगे ये देखिए टूट भी रही है, इसका मतलब ये दाल अच्छे से गल गई है।
इस दाल को हमें बस इतना ही गलाना है। अब ये प्लेटिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सूखी उड़द की दाल झटपट बनके तैयार है। आप भी इस दाल को बना के ट्राई करेंगे, बहुत ही सिंपल है और बहुत टेस्टी लगती है। आप इसे चाहें तो रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू।